नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदा तालुके के आलियम्बर ग्राम में आधी रोड का किया निर्माण, बाकी की रोड खस्ता ही छोड़ दी। अश्लील वीडियो कांड में एसआईटी की ओर से गिरफ्तार किए गए प्रज्वल रिवन्ना को कड़े पहरे के बीच सिटी सिविल कोर्ट में किया गया पेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ध्यान साधना पर मनोज झा की तीखी प्रतिक्रिया, इस ध्यान को बताया खेल। मेरे प्राण भी चले जाए तो गम मत करना, सरेंडर से पहले केजरीवाल की भावुक अपील। विस्तारा फ्लाइट में बम की धमकी के बाद श्रीनगर एयरपोर्ट पर रोका गया, विमान में सवार थे 177 यात्री। अब समाचार विस्तार से। बीदा तालुके के अलियम्बर ग्राम में चर्च से लेकर सुनील शतकुंडे के घर तक रोड बनाना था, परंतु अम्बेडकर सर्किल से लेकर प्राइमरी स्कूल तक ही रोड का निर्माण किया गया, इसे आगे नहीं बनाया गया। आगे की रोड पहले की ही तरह खस्ता हालत में है। ग्रामीण इससे संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी इस रोड के आगे तक निर्माण का काम नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में स्थानीय निवासी बसवराज बागी डुड्डे ने केपी न्यूज से बात की और इससे संबंधित अधिकारियों से इस रोड के कार्य को पूरा करने की मांग की है। केपी न्यूज के कैमरामैन पुराज का कवरेज। इवत अलियम्बर ग्राम चर्च सुनील शेटगुंडे मन वे सीसी रस्ते माड़ पीडब्ल्यूडी अधिकारी इलाके नानु जिला अधिकारी सी एस मत पीडब्ल्यूडी अधिकारी जून तिंगल कंप्लेंट कोट्टिदीनि ओंदु वर्ष आयितु। नानु डेली अवरिगे फोन मुखांतर सर माड्रि अंत हेळिद्रे नावु इवत्तु माड्तेवि नाळे माड्तेवि अंत हेळ्कोंडु इल्लिवरेगे ई कामगारि पेंडिंग इट्टु अंबेडकर सर्कल निंद प्रैमरि स्कूल तन रोड डेमोलिश माडले अदे हागे इट्टिद्दारे। कच्चे कच्चे रोड इल्लि यारु जूनदागि बिडतारे मळगलदागि चळगलदागि बिडतारे अंत सुमारु सल अवर गमनक्के तंद्रू कूड नावु माड्तेवि नावु माड्तेवि इवत्तिनवरेगे माडिल्ल। ಆದರೆ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಅಪಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮೊನ್ನೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಅಲಿಯಂಬರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿಯಿಂದ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸಿದಿರಿ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆಟರ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲದೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಿ ಎಸ್ ಅಪಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಸರ್ ನಮ್ಮೂರ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಸಚಿವರು ಸರ್ಕಾರ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಆ ದುಡ್ಡು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಗೊತ್ತಿದಾರೋ ಈ ಗೊತ್ತಿದಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬಸವರಾಜ ಬಾಯ್ದೊಡ್ಡಿ ಅಲಿಯಂಬರ್। शुक्रवार 31 मई को भालकी के बौदा विहार में आयोजित एक कार्यक्रम में भालकी तालुके के दलित समर्थक संगठनों के विलास मोरे को बुद्धिस्ट सोसाइटी तालुका भालकी शाखा का अध्यक्ष चुना गया। भालकी तालुके के कई दलित समर्थक संगठनों ने उनका समर्थन किया है और उन्हें चुना है। नवनिर्वाचित विलास मोरे संबोधित करते हुए ने कहा कि मैंने अपने जीवन में हमेशा दलित हितैषी और सामाजिक कार्य किए हैं और आने वाले दिनों में भी साथ मिलकर काम करने और लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए तैयार हूं। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट।
यौन उत्पीड़न कांड में गिरफ्तार प्रज्वल रेवन्ना को सिटी सिविल कोर्ट में पेश किया गया है। इससे पहले जांच दल मेडिकल के लिए प्रज्वल को बोरिंग एंड लेडी कर्जन अस्पताल ले जाया गया। मामले में जनप्रतिनिधि अदालत में एसआईटी की ओर से पेश वकील ने बताया कि प्रज्वल को गिरफ्तार किया जा चुका है, ऐसे में अग्रिम जमानत याचिका का कोई मतलब ही नहीं रहा। बता दें कि प्रज्वल ने कुल तीन मामलों के सिलसिले में तीन अग्रिम जमानत याचिकाएं दायर की। विशेष जांच दल एसआईटी आज सुबह बेंगलुरु स्थित सीआईडी कार्यालय पहुंची थी। सीआईडी कार्यालय में उनके साथ पूछताछ की जाएगी। एसआईटी सूत्रों की माने तो उनका पौरुष परीक्षण भी कराया जा सकता है। प्रज्वल के वकील अरुण ने कहा है कि जांच में सहयोग करने के लिए आगे आए। मीडिया से उनका अनुरोध है कि उनका मीडिया ट्रायल न किया जाए, उन्हें खोले नरसिंहपुरा मामले में गिरफ्तार किया गया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुसलमीन ने मांग की है कि तेलंगाना के आधिकारिक लोगों में चार मीनार प्रतीक को बरकरार रखा जाए। यह तेलंगाना की समावेशी संस्कृति के लंबे इतिहास का प्रतीक है। आधिकारिक लोगों से चार मीनार की छवि हटाने की सरकार की योजना पर मजलिस द्वारा पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में यह मांग की गई। मजलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए जाने के बाद मजलिस के अध्यक्ष और सांसद हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसे रिपोस्ट किया। इस संबंध में मजलिस ने उम्मीद जताई है कि चार मीनार को आधिकारिक लोगों में बरकरार रखा जाएगा। पार्टी ने यह भी कहा है कि सरकार और हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि चार मीनार के आसपास के इलाकों में भी विकास। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग से पहले तमिलनाडु के कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री मोदी साधना में लीन हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि ध्यान कक्ष में पीएम मोदी मौन है। शाम 6:45 पर प्रधानमंत्री ध्यान मुद्रा में बैठे। इस दौरान पीएम मोदी किसी से बात भी नहीं करेंगे। जानकारी के अनुसार पीएम मोदी की साधना 45 घंटे तक चलेगी। इस 45 घंटे के कठोर ध्यान में ना तो वह अन्न ग्रहण करेंगे, ना ही किसी से बात करेंगे। कठोर साधना में प्रधानमंत्री जरूरत पड़ने पर सिर्फ केवल नींबू पानी का सेवन करेंगे। वह सिर्फ तरल आहार ही लेने वाले हैं। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए वह नारियल पानी और अंगूर का जूस भी पियेंगे। पीएम की साधना पर विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। वहीं अब मनोज झा ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि ध्यान के नाम पर पीएम मोदी परमात्मा के साथ भी खेल रहे हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत ने शुक्रवार को रानी अहिल्याबाई होलकर को उनकी 300वीं जयंती पर याद करते हुए कहा कि वह एक आदर्श शासक थी जिन्होंने सुशासन प्रदान किया और समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किया है। वीडियो के माध्यम से जारी एक बयान में भागवत ने कहा कि एक रानी होने के बावजूद वह सादा जीवन जीती थी और कमजोर एवं पिछड़ों की परवाह करती थी। उन्होंने कहा कि यह वर्ष पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी का वर्ष है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि वह 2 जून को आत्मसमर्पण करेंगे और अगर जेल में उन्हें प्रताड़ित किया गया तब भी वह झुकेंगे नहीं। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि यदि मेरे प्राण भी चले जाएं तो गम मत करना। आम आदमी पार्टी आपके राष्ट्रीय संयोजक को उच्चतम न्यायालय ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत प्रदान की थी। जेल से रिहा होने के बाद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार किया था। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि मुझे 2 जून को आत्मसमर्पण करना है और मुझे नहीं पता कि इस बार मैं कितने दिन जेल में रहूंगा। मैं इस देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं और मुझे इस पर गर्व है। केजरीवाल ने कहा, उन्होंने मुझे तोड़ने की कोशिश की। जब मैं जेल में था तब मेरी दवाई रोक दी। गिरफ्तार किए जाने के बाद मेरा वजन 6 किलोग्राम कम हो गया। जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो मेरा वजन 70 किलोग्राम था। जेल से बाहर आने के बाद भी मेरा वजन नहीं बढ़ा। दिल्ली से श्रीनगर जा रही विस्तारा की फ्लाइट में शुक्रवार 31 मई को बम की धमकी मिली जिसमें 177 यात्री और एक बच्चा सवार था।
इस पर एयरलाइन और सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्यवाही की। फ्लाइट संख्या UK 611 को रात लगभग 12:10 पर श्रीनगर एयरपोर्ट पर सुरक्षित रूप से उतारा गया। सूत्रों ने बताया कि विस्तारा की फ्लाइट UK 611 नई दिल्ली से आ रही थी और धमकी भरे कॉल के बाद श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट अधिकारियों ने तुरंत कार्यवाही की। कॉल एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC श्रीनगर को मिली। इस तरह के खतरों के लिए मानक प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विमान को उतरते ही तुरंत एक आइसोलेशन बे भेज दिया गया। विमान को एक सुनसान इलाके में ले जाया गया। इस सभी यात्री कथित तौर पर सुरक्षित हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थिति को प्राथमिकता के साथ संभाला जा रहा है। उत्तर भारत के दूसरे राज्यों की तरह हिमाचल प्रदेश में भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। आलम यह है कि गर्मी की वजह से अब जमीन भी फटने लगी है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के ऊना, हमीरपुर और सिरमौर में जिले में सबसे अधिक गर्मी पड़ रही है। सूबे के सिरमौर जिले में तो हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर गर्मी के चलते धमाके के साथ सीमेंट सड़क का एक हिस्सा जमीन से ऊपर आ गया और इसे देखकर ऐसा लगा मानो धरती फट गई हो। बता दें कि यूपी के संभल में भी धमाके के साथ RCC सड़क 28 मई को फट गई थी। जानकारी के अनुसार सिरमौर जिले के पावंटा साहिब की यह घटना है। लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम 4 जून को आने वाला है। आगामी 4 जून को तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसे में हम आपको बिहार के एक ऐसे मठ के बारे में बताने जा रहे हैं जहां नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बीते 11 वर्षों से हर शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। बता दें कि इसकी शुरुआत 2013 में हुई जब नरेंद्र मोदी का नाम PM पद के लिए सामने आया था। मुजफ्फरपुर जिले के महसी राम जानकी मंदिर मठ में महसी गांव और आसपास के गांव के ग्रामीण हर शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करते आ रहे हैं जो अब तक अनवरत जारी है। चुनावी माहौल में इन दिनों रोजाना विशेष पूजा और सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। वहीं चुनाव के रिजल्ट के दिन 4 जून को मंदिर पर विशेष धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे जिसमें काफी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है। रुकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। दिल्ली में गर्मी का सितम जारी है और इस कारण जल संकट बढ़ता जा रहा है। इस बीच दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने शुक्रवार 31 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल सरकार ने अपनी याचिका के में मांग की है कि जल संकट को देखते हुए हरियाणा, यूपी और हिमाचल प्रदेश से एक महीने के लिए अतिरिक्त पानी मिले। दिल्ली सरकार ने ये याचिका ऐसे समय पर दायर की है जब जल संसाधन मंत्री आतिशी ने हाल ही में बीजेपी शासित राज्य हरियाणा पर दिल्ली के हिस्से का यमुना जल रोकने का आरोप लगाया। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली में गर्मी का सितम जारी है और इस कारण जल संकट बढ़ता जा रहा है। इस बीच दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने शुक्रवार 31 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल सरकार ने अपनी याचिका में मांग की है कि जल संकट को देखते हुए हरियाणा, यूपी और हिमाचल प्रदेश से एक महीने के लिए अतिरिक्त पानी मिले। दिल्ली सरकार ने यह याचिका ऐसे समय पर दायर की है जब जल संसाधन मंत्री आतिशी ने हाल ही में बीजेपी शासित राज्य हरियाणा पर दिल्ली के हिस्से का यमुना जल रोकने का आरोप लगाया है। आप नेता आतिशी ने केंद्रीय मंत्री शेखावत को चिट्ठी लिखी है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदा तालुके के अलियम्बर ग्राम में अधिक रोड का किया निर्माण, बाकी की रोड खस्ता ही छोड़ दी। अश्लील वीडियो कांड में SIT की ओर से गिरफ्तार किए गए प्रज्वल विवरना को कड़े पहरे के बीच सिटी सिविल कोर्ट में किया गया पेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ध्यान साधना पर मनोज झा की तीखी प्रतिक्रिया, इस ध्यान को बताया खेल। मेरे प्राण भी चले जाए तो गम मत करना, सरेंडर से पहले केजरीवाल की भावुक अपील। विस्तारा फ्लाइट में बम की धमकी के बाद श्रीनगर एयरपोर्ट पर रोका गया। विमान में सवार थे 177 यात्री।
केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।